सो गाइस, ये क्वेश्चन जो है आप लोग बहुत जन कंफ्यूज जाते हैं, तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। इसमें बोल रहा है, अ मैन हैज, एक आदमी के पास सम हैंड्स एंड सम काउज होते हैं, इफ द नंबर ऑफ हेड्स एंड नंबर ऑफ फीट, जो हेड है यानी कि मुंह मुंह और जो फीट है पैर, उसका जो रेशियो दिया हुआ है क्या दिया हुआ, 12:35। वैसे ये बैल नहीं ना है, मैंने फोटो ले लिया, देखा नहीं। नहीं नहीं गाय ही है, तो ये गाय है और ये कड़कनाथ मुर्गा है ना, कड़कनाथ मुर्गा बड़ी फेमस चल रहा है आजकल। तो इज द नंबर ऑफ हेड्स, तो 12 ये हो गया और 35 क्या है इनके, इन दोनों को मिला के पैर हैं, बस दो ही नहीं, हमें नहीं पता कितने हैं, बस हमें ये पता है कि 12:35 का उनका हेड इज टू जो पैर का रेशियो है। और ये देखो ध्यान से, इसमें फाइंड आउट द नंबर ऑफ हैंड्स, कितने नंबर ऑफ हैंड्स हैं, ठीक है, यानी कि मुंह फाइंड हो जाएगा तो कहानी खत्म हो जाएगा। इफ द नंबर ऑफ हेड अलोन इज इतना, यानी कि इसका वैल्यू 48 दिया, तो 4 से इंटू कर दो, इसमें भी 4 से इंटू कर दो, तो 25 20 36 12 13 14, यानी कि जो टोटल फीट है वो कितने, 140। 140 टोटल फीट है, ये याद रखो। अब हमें क्या पता है कि हेन प्लस जो काऊ है वो कितने हैं, हेन प्लस काऊ कितने हैं बताइए, हेन प्लस काऊ, हेड हमें पता है, हेड मतलब जितना मुंह उतना ही आदमी, लेकिन हमें ये भी पता है कि हर हेन का दो पैर होता है, तो 2h यानी कि पैर पैर गिनती हो रही, पैर गिनती 2h प्लस जो काऊ है, यही चीज करने में लोग कंफ्यूज जाते हैं, यानी कि दिमाग में बहुत ज्यादा बार नहीं आता, जो गाय होती है उसके कितने पैर होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है, और दोनों को मिला के जो टोटल संख्या है, हमने क्या निकाला था अभी, मैं भूल गया, बताओ। ओहो, क्या बताया था, इसमें 4 से इंटू कर दो, 4 5 20 36 12 13 14 140, वेरी गुड। तो यहाँ पे अगर आप इंटू कर दोगे, तो यहाँ पे अगर 2 से हम इसको कर दें दोनों साइड, तो ये 96 हो जाएगा, 96 हो जाएगा, तो यहाँ 4 44, तो इधर अगर माइनस करोगे तो ये चला जाएगा, यहाँ पे 2c = क्या हो जाएगा, 96 है ना, 4 44, यानी कि c का वैल्यू क्या आ जाएगा, 22, ठीक है। मैंने ऐसा ही किया, आप चाहो तो 4 इंटू कर सकते हो, तो भी आंसर आ जाएगा, h का डायरेक्ट वैल्यू ऐसे फाइंड कर सकते हो, हमें h का वैल्यू निकालना है। हमें ये पता है कि काऊ और हैन मिल के 48 हैं, तो और काऊ बस 22 हैं, तो कितने हो जाएंगे, हैन कितने हो जाएंगे, 24, तो 24 क्या हो जाएंगे, मुर्गे हो जाएंगे और 22 काऊ हो जाएंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये उम्मीद है समझ में आएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर समझ में आया हो तो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।